एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं दूसरा एक्सपीरियंस भी शेयर करने आया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज भैया आ चुके हैं हमारे पास अपना सेकंड हेयर पैच लगवाने के लिए। भैया ने अपना जो फर्स्ट हेयर पैच था वो भी हमसे ही लगवाया था आज से ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक। वो भी एक ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच ही था, एंड जो लुक भैया को हमने दिया था वो काफ़ी शॉर्ट में दिया था, तो इस टाइम भी भैया को काफ़ी सिमिलर सा लुक चाहिए। तो इस बार भी हमने भैया को ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच ही रिकमेंड किया है। भैया अपना सर्विसिंग हेयर पैच घर पे खुद अपने से करते हैं, तो इसीलिए हमने भैया को ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच रिकमेंड किया है। एंड बहुत किसी को ये क्वेश्चन रहता है कि कौन से पैचेस आप घर पे सर्विसिंग कर सकते हो। वेल, बहुत सारे हेयर पैचेस हैं जिस पर आप घर पे सर्विसिंग नहीं कर सकते हो, जो भी प्रीमियम हेयर पैचेस है, जैसे कि फ्रेंचलेस मिराज 0.3 mm। लेकिन ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच एक ऐसा हेयर पैच है जिससे लुक भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, एंड इसका जो सर्विस पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड अगर आप चाहो तो इसका सर्विस आप घर पे आराम से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंट टेप्स। हमने भैया का जो पैच है उसमें थोड़ा हाईलाइट किया है, बिकॉज भैया को इस कलर का हेयर पैचेस पहनना पसंद है। तो हम वैसे ही आपका हेयर पैच भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ हेयर कलर, बिकॉज बहुत किसी को ब्लैक बाल पसंद है तो बहुत किसी को थोड़ा हाईलाइट किया हुआ बाल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बालों का जो कलर है वो आपके साइड हेयर्स के साथ मैच करे। जैसे कि आप देख पा रहे हो भैया का केस में, भैया का जो साइड के हेयर्स है वो थोड़े नेचुरल ब्राउन है, तो इसलिए हमने पैच का जो कलर है सिमिलरली वैसा ही रखा है। सो प्लीज़ टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग टू इंडियन हेयर वर्ल्ड, कैसा लगा सर आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा दूसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं दूसरा एक्सपीरियंस भी शेयर करने आया हूँ। और मतलब यहाँ पे जो सर्विस है बहुत बढ़िया है और एकदम नेचुरल लुक आता है, तो मैं सभी को यही बोलूँगा जिनको भी बाल्डनेस का प्रॉब्लम है वो इंडियन हेयर वर्ल्ड में आए और अपना नया लुक लेके चले। थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू सर। थैंक यू।